बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो जो है ना, आप लोगों के लिए एक रैंप है जो ना मार्केट के सामने जो रैंप बनाना है वो इसके मतलब वीडियो है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाले वीडियो आप तक पहुँच रहे। दोस्तों ये देख लें, ये रैंप से पहले जो नाला है ना उसकी सफाई हम करेंगे। उसकी जो है ना वो सामने एक लाइन लगाएंगे ब्लॉक की और नीचे जो ईंटों की एक लाइन लगाएंगे। तो ये आप लोगों के सामने है तो इसकी शक्ल हम बदल देंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग मेरी वीडियो को मुकम्मल देखते रहें ताकि आप लोगों को समझ आ सके। दोस्तों ये देख लें, मिट्टी वगैरह इसमें डली हुई है और इसकी हालत काफ़ी ख़राब है। तो दोस्तों मैंने सफाई इसकी जो है करा ली है। तो इसका कालब हम करेंगे, ये फटियों के साथ हमने कालब किया है। ये आरे से हम फटियाँ लेके आए हैं, ठीक है, इसकी पेमाइश करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसके कालब हमने कर दिया है। तो अब इसके ऊपर जो है ना हम सीमेंट की बोरी हाली जो है ना वो डालेंगे, डाल के फिर इसके ऊपर बजरी डालेंगे, फिर सरिया डालेंगे। सीमेंट की बोरी इसलिए डालनी है कि पानी जो है ना सीमेंट का वो नीचे ना जाए, इसमें ही ज़्यादा है ऊपर। बजरी जो है ना वो नरम वगैरह ही रहे ताकि इसकी मज़बूती काफ़ी बरकरार रहे। तो ये आप लोगों के सामने इसकी शक्ल है। तो अब हम सीमेंट की बोरियाँ डालने लगे हैं इसके ऊपर। दोस्तों ये देख लें, सीमेंट की बोरी हमने डाल दी है। तो अब इसकी जो है ना तैयारी हमने कर ली है। तो अब इसमें जो है ना नाला साफ़ करने के लिए दो जो है ना रखेंगे, थोड़े हाने भी रखेंगे ताकि इसमें जो है ना सफाई वगैरह भी बाद में कर सकें। तो ये जो हमने जगह हाली छोड़ी है इसके ऊपर जो है ना हम, तो दोस्तों ये दो हाने ये रखा है हुआ है एक, ठीक है, एक वो दूसरी साइड पर हमने रखा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हमने बजरी डाल दी है। तो इसके ऊपर बजरी थोड़ी थोड़ी डाली है ताकि इसके ऊपर सरिया जो हम रख सकें। तो ये देख रहे, सरिया भी हम साथ में रख रहे हैं और बजरी भी डाल रहे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को लाजमी दबा दें जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, ताकि आने वाली वीडियो जो है ना आप तक पहुँच रहे। तो मेरी वीडियो जो है ना दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि कोई और भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों हमने इसकी शक्ल थोड़ी सी बदल दी है। तो आप लोगों के सामने है, ये हम बजरी डाल रहे हैं, इसके नीचे भी हम बजरी डाल रहे हैं। तो देख लें, ये हम बजरी डाल रहे हैं। बजरी आप लोगों ने नरम और तेज़ डालनी है ताकि इसके ऊपर गाड़ियाँ वगैरह चढ़नी है, ताकि इसको जो है ना वो इसकी मज़बूती जो है ना अच्छी रहे, क्रैक वगैरह ना बाद में हो जाए। तो आप लोग देख लें, ये रैंप बना रहे हैं हम। तो माल इसका जो है ना अच्छा होना चाहिए लेंटर वाला, ताकि इसमें जो है ना बाद में क्रैक वगैरह ना आए, ताकि नुकसान बाद में ना उठाना पड़े। तो इसका जो रेशो है, एक रेड़ी रेत है और दो रेड़ी बजरी है, तो एक बोरी सीमेंट की है। इसका रेशो जो है ना हमने ये रखा हुआ है, यानी कि 6 टंगारी जो है ना रेत है और 12 टंगारी जो है ना बजरी है। तो एक बोरी सीमेंट की हमने डाली है। दोस्तों ये देख लें, इसकी शक्ल काफ़ी बदल गई है सामने वाली, पहले क्या था अब क्या है इस। तो अल्हम्दुलिल्लाह आधा जो है ना हमने इसका रैंप तैयार कर लिया है। तो पीछे जो गैप रह गया है वो उसमें हम टफ़ टाइल लगाएंगे। तो ये टफ़ टाइल मैंने थोड़ी सी लगा ली है। तो आप लोग इसी तरह का अगर रैंप बनाना चाहते हैं तो ये देख के आप लोग बना सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों की जो है ना रहनुमाई हम कर सकें। तो आगे ये जगह जो बची है इसमें हम बजरी डाल देंगे ताकि इसकी जो है ना रोक लग जाएगी, फिर ये आगे पीछे नहीं होगा। तो हमने इसके जो है ना रैंप तैयार कर लिया है। तो ये देख लें, ये मैं अब इसके आगे जो है ना बजरी डाल रहा हूँ ताकि इसमें जो है ना, तो इसमें जो है ना गाड़ी वगैरह जब ऊपर चढ़ेगी तो ये पीस आगे पीछे नहीं होंगे। तो आप लोगों ने भी इसी तरह का जो है ना काम करना है, ताकि आप लोगों को जो है ना देख के आप लोग इस तरह का काम करवा सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक जो है ना रैंप बनाना है या बनवाना है तो आप लोगों को समझ नहीं आ रही, तो आप लोग मेरी वीडियो को देख के ये इस तरह का काम कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हम काम मेरी और अच्छा करते हैं। तो ये बाद में जो सराह रह जाएंगे इसमें हम सीमेंट डालेंगे, तो ये भी पीस जो है ना के पीछे नहीं होंगे। तो ये फाइनली टच है, हमने फाइनली जो है ना इसका रैंप का वो काम कर रहे तो हैं। आप लोग मेरी वीडियो को ताकि पूरा देखिएगा ताकि मेरे भी हौसला अफजाई हो सके, मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें ताकि मैं अगली वीडियो के लिए तैयार रहूं। आप तो लोग मेरे चैनल को मुझे अगली सपोर्ट वीडियो के करेंगे लिए, तो अगली वीडियो में बनाने में अच्छा तरीका जो है ना अच्छे तरीके में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, नई से नई वीडियो लेके आऊँगा।
ताकि मुझे भी पता होगा कि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सपोर्ट किया करें, लाजमी शेयर किया करें। आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे लाजमी आप लोग मेरे चैनल को शेयर किया करें। तो मुझे आप लोगों ने जो है ना कमेंट भी अच्छा सा कर दिया करें ताकि मुझे हौसला अफजाई हो सके। कमेंट्स में आप लोग जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं। तो मुझे अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।